हेलो फ्रेंड्स, मैं मेरे चैनल टेक्नोलॉजी एंड एडिटिंग जोन में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबको एक बताऊंगा कि आप अपने पीसी या लैपटॉप में ऑटोमेटिक वॉलपेपर चेंज कैसे कर सकते हैं। जैसे ये मेरा पीछे बैकग्राउंड में वॉलपेपर ही है, ऑटोमेटिक चेंज होते रहेगा। आपको दिखाता हूँ मैं, चलो ये करते हैं इसको। ये कैसे हुआ कैसे नहीं मैं आपको बताऊंगा, और इसमें वॉलपेपर ऑटोमेटिक चेंज होते आएंगे। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए चलते हैं। तो आपको पहले यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे नीचे वाले ऑप्शन पर जाना है। सबसे नीचे वाले ऑप्शन में जाने के बाद फिर ये बैकग्राउंड यहाँ पे लिखा हुआ है, बैकग्राउंड लिखा है इस पे, ये आपका पिक्चर पे सेट होगा। तो आपको इस पे करना है साइड शो पे, स्लाइड शो पे क्लिक करना है। स्लाइड शो पे क्लिक करने के बाद ब्राउज पे क्लिक करना है। तो ब्राउज पे क्लिक करने के बाद ये मेरे बोर्ड पेपर पड़े हुए हैं, इसको मैं किसी के फोल्डर कर दूँगा। तो अब ये मेरे बोर्ड पर ऑटोमेटिक चेंज होते रहेंगे ओनली 10-10 मिनट बाद। ठीक है फ्रेंड, इतना आप समझ चुके हैं। इसके बाद आपको ये बता देता हूँ फाइल, मेरी ये फाइल कहाँ पे है आप देख सकते हैं। डिस्क ऐप में जाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मेरा ये फोल्डर डिस्क ऐप में ही है। तो फुल HD वॉलपेपर में जाना है मुझे। इसके बाद ये मेरा वॉलपेपर का फोल्डर है, इसमें ये मैंने चूज़ कर रखे हैं। ये वॉलपेपर 10-10 मिनट में चेंज होते रहेंगे। तो फ्रेंड, ये वीडियो कैसी लगी, आपकी बहुत हेल्प हो सकती है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।